गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। बच्चों, जहाँ से मैंने फिनिश किया था आज मैं वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। तो सबसे पहले आप अपनी बुक ओपन कीजिए और मेरे साथ स्टडी कीजिए। देन आई कट डाउन मैनी स्मॉल ट्रीज, तब मैंने अनेक छोटे छोटे पेड़ों को काट दिया। आई कट ऑफ देयर ब्रांचेस एंड मेड देम शार्प एट वन एंड, मैंने उनकी शाखाओं को काट दिया और एक सिरे से उनको नुकीला बना दिया। I dropped them into the ground on the line I had made. मैंने एक लाइन में ज़मीन में उन शाखाओं को रख दिया जिनको कि मैंने नुकीला बनाया था। I put them very close together. मैंने बहुत नज़दीक उन शाखाओं को रख दिया। When they were fast in the ground, they were higher than my head. जब वे ज़मीन में गड़ गईं तो वे मेरे सर से भी ज़्यादा ऊंची हो गई। आई पुट अ सेकेंड रो ऑफ ट्रीज इन साइड द फर्स्ट एंड अबाउट 6 inches फ्रॉम इट, मैंने पहली कतार के अंदर पेड़ों की दूसरी कतार को रखा जो कि पहली कतार से लगभग 6 inch दूर थी। बिटवीन देम आई पुट बिग रॉप्स दैट आई हैड टेकन फ्रॉम द शिप, इन दोनों कतारों के बीच में मैंने रस्सियों को बांध दिया जो कि जहाज़ तक ले जाती थी। When it was done, I had a fence that neither man nor animal could get through. जब मैंने यह सब कर दिया तो I had a fence, तो एक चार दीवारी थी जिसमें कि ना तो कोई व्यक्ति और ना ही कोई जानवर उसके अंदर आ सकता था। Now I began to carry up all the things I had taken from the ship. अब मैं जहाज से सारी चीज़ों को लाने लगा। The first thing I brought up was the shells which I used to make my tent. सबसे पहली चीज़ मैं जल यात्रा से लाया था जो कि मैंने अपने टेंट में प्रयोग की थी। At that time of the year it rained very hard and very often. साल के उस समय अक्सर बहुत तेज़ी से बारिश होती थी। I made a small tent and then a larger one over it. मैंने एक छोटा टेंट बनाया जो कि थोड़ा मैंने एक छोटा टेंट बनाया और उसको थोड़ा और अधिक बड़ा कर दिया। No rain at all could get in, कि बिल्कुल भी बारिश इसके अंदर ना आ सके। इन दिस टेंट आई पुट माई बेड एंड एवरी थिंग विच द रेन वुड हैव हर्ट, इस टेंट में मैंने अपना बिस्तर और सारी चीज़ों को रख दिया जिससे कि बारिश ने नुकसान पहुंचा दिया था। द अदर थिंग्स आई पुट इन साइड माई फैंस, अन्य चीज़ों को मैंने अपनी चारदीवारी के अंदर रखा। अप अंटिल नाउ आई हैड लेफ्ट एन ओपनिंग इन द फैंस सो दैट आई कुड कैरी थिंग्स इन, अब मैं चारदीवारी को खुला हुआ मैंने छोड़ दिया ताकि मैं उन सारी चीज़ों को अंदर ले जा सकूं। आई क्लोज दिस ओपनिंग, मैंने खुली हुई चारदीवारी को बंद कर दिया। नाउ आई वॉज सेफ, अब मैं कैसा था, अब मैं सुरक्षित था। तो यहाँ तक बच्चों आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, चलिए आगे स्टडी कर लेते हैं। आई मेड अ स्मॉल लेडर, मैंने एक छोटी सीढ़ी बनाई। आई वुड क्लाइंब अप द लेडर टू द टॉप ऑफ माई फेंस एंड स्टैंड ऑन द रॉप्स बिटवीन द टू रोज ऑफ ट्रीज, मैं चारदीवारी की ऊंचाई पर सीढ़ी से चढ़ गया और पेड़ों की दो कतारों के बीच में उस रस्सी पर खड़ा कर दिया। देन आई वुड पुल द लेडर अप एंड पुट इट डाउन ऑन द इनसाइड, तब मैंने सीढ़ी को ऊपर खींच लिया और अंदर की तरफ इसको रख दिया। When I had climbed down on the inside, I would take the ladder down after me. जब मैं अंदर नीचे उतर गया तो मैं अपने साथ सीढ़ी को भी ले गया। My next work was to make larger the small cave behind the tent. मेरा अगला काम ये था कि टेंट के पीछे छोटी गुफा को थोड़ा अधिक बड़ा करना था, ये मेरा अगला काम था। लकीली द रॉक वॉज सॉफ्ट, भाग्यवश जो चट्टान थी वो कैसी थी, मुलायम थी। सून आई हैड अ काइंड ऑफ सेलर फॉर माई हाउस, तो बच्चों सेलर मीन्स होता है तहखाना। शीघ्र ही
मेरे मकान के तहखाने में एक अच्छा वर्क था। वंस ईच डे आई वेंट आउट विद माई गन टू हंट फॉर फ्रेश मीट। तो ईच डे हर एक दिन ताजे मीट के लिए शिकार करने को मैं अपने साथ गन लेके जाता था। देन टू आई वॉन्टेड टू सी वॉट थिंग्स ग्रू ऑन माई आईलैंड। और मैं ये देखना चाहता था जो कुछ आइलैंड पर वो चीज़ें उगी हुई थी, उन सारी चीज़ों को मैं क्या करना चाहता था, देखना चाहता था। आई ऑफन फेल्ट वेरी सैड, मैं अक्सर बहुत दुखी था। देन आई वुड लुक एट माई डॉग एंड माई टू कैट्स। तब मैं अपने कुत्ते और दो बिल्लियों की तरफ देखने लगा। इट इज़ ट्रू दैट कुड नॉट टॉक टू मी, ये सच है कि वो मेरे से बात नहीं कर सकते थे। बट दे वर माई फ्रेंड एंड शूट इन मैनी वेज दैट दे लव्ड मी, लेकिन वे मेरे मित्र थे और हर तरीके से वो यह दिखाते थे कि वे उसे बहुत अधिक प्रेम करते थे। दे वर अ ग्रेट हेल्प टू मी, उन्होंने वो मेरी बहुत अधिक सहायता भी करते थे। तो बच्चों यहाँ तक मैंने आपका एक्सप्लेन कर दिया है। अब आपको बच्चों करना क्या है कि जो भी मैंने एक्सप्लेन किया है उसको आप घर पे इसको रीड करेंगे। और सबसे पहले मैं हर वीडियो में बच्चों यही कहती हूँ आपसे कि आपको क्या वर्ड्स मीनिंग लर्न करनी है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले वर्ड्स मीनिंग लर्न करेंगे, उसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे और नेक्स्ट वीडियो बच्चों मेरी नेक्स्ट डे प्रोवाइड हो जाएगी। तो ये था बच्चों आज का होमवर्क। थैंक यू।